नंबर थ्री क्या करना है आपको, सिंपली आपको कंसेप्ट इज अ पावर। मैंने रीडिंग कंप्रेशन में आपको बताया था ना, रीड कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट को जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट यानी तस्वीर, उसको क्लियर करो। जो भी आप लेसन पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर आप एमसीक्यू में चले जाओ। उसको एक चैप्टर को एमसीक्यू भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, फिर आप क्या करोगे, अब सिक्स के लेके एट क्लास तक जो भी बुक्स हैं ना, उसको जैसा कि हमने क्या है कि फ्रांस बीकान ने कहा है कि रीडिंग इज फुल मैन, ओके, सो प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, यू कैन डू दैट। आप क्या करोगे, उस सिक्स के एट क्लास तक जो बुक्स हैं उसको रीड करो, एक को रीड किया, एक को रीड, जब हम पीरियड क्लास में पीरियड होते हैं ना, उसी लिए तो अपने माइंड को सेट करके यही पीरियड ही समझ के आप स्टडी करो, तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो आगे चलते हैं, मैं बताता चलता हूँ, ये मेथड है रीडिंग कंप्रेशन में। अब मेरी दो वीडियो हैं, तीन वीडियो आप उसमें दे सकते हो, आप क्लिक करोगे ना कंप्यूटर वर्ड बीजे में वीडियोज़ में जाके और आपको मिल जाएगी। तो रीडिंग कंप्रेशन में अब जब आप रीडिंग करो, तो नंबर वन रीड नहीं करना है, क्वेश्चन करना है, इसको क्वेश्चन को करके जनरल आइडिया उसको फाइंड करना है, और क्या करना है, उसके जनरल आइडियाज ये क्वेश्चन है उसको ढूंढना है, टॉपिक सेंटेंस या मिडिल या कंक्लूजन में ही होता है। और जब आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा तो प्री रीडिंग कंप्रेशन तमाम रीडिंग कंप्रेशन क्लियर हो जाएगी। जब आपको आइडिया माइंड में क्लियर हो जाता है तो इसका मकसद ये है कि आपको उसके आंसर भी मिल जाएंगे। तो उसमें प्री पोजिशन है, इसको ढूंढना रीडिंग कंप्रेशन में, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके यूजेज आपको पता होना चाहिए, और एंटोनम सिनोनिम उस रीडिंग कंप्रेशन में ही होते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग चेंज होती है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक बहुत है, मैंने आजमाई है, और मैंने मुझे भी मज़ा आता है जब रीडिंग कंप्रेशन पढ़ता हूँ, तो जब भी मैं आप क्वेश्चन में हल चला जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है बहुत। तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ।